नमस्कार, आप देख रहे हैं विनेशन न्यूज और आपके साथ मैं हरपाली सिंह। भारत क्यों नहीं छोड़ सकता रशिया का साथ, सबसे बड़ा सवाल। यूक्रेन पर रशिया के आक्रमण के बाद कई बड़े और लोकतांत्रिक देशों ने रशिया की निंदा की, लेकिन भारत रशिया की आलोचना करने से हर बार बचता नजर आया। यूक्रेन युद्ध में भारत के रुख को समझना बिल्कुल आसान नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पॉलिटिकली, मिलिट्री और एनर्जी सहित कई कारणों से भारत सीधे तौर पर रशिया के खिलाफ बोलने से बच रहा है। भारत लंबे वक्त से अब न्यूट्रल पॉलिसी के चलते किसी भी ब्लॉक के बेहद करीब जाने से बच रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नई दिल्ली मॉस्को को अलग थलग करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि कश्मीर सहित किसी भी प्रतिकूल प्रस्ताव पर यूनाइटेड नेशन में वीटो करने के लिए सिर्फ रशिया पर भरोसा रखा जा सकता है। अब वीटो क्या है, आप सबके जहन में ये सवाल होगा। वीटो एक लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है निषेध करना या मैं निषेध करता हूँ। इसका अर्थ होता है कि अगर किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में वीटो पावर पाए हुए सभी देशों एकमत हो जाते हैं और कोई एक देश प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो, तो वह देश अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस प्रस्ताव को नकार सकता है। कोई एक देश भी विरोध करते हुए इसके विरोध में वोट करता है तो ये वीटो कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य और वर्तमान अध्यक्ष होने के कारण रूस के पास वीटो पावर है। 1971 में बांग्लादेश को लेकर तत्कालीन सोवियत संघ ने विवादित क्षेत्र से सैनिकों की वापसी की मांग वाले एक प्रस्ताव को वीटो कर दिया था। कुल मिलाकर रशिया और उससे पहले के सोवियत संघ ने भारत के पक्ष में कुल मिलाकर 6 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। कोल्ड वॉर के बाद वीटो के लिए भारत को रशिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा, लेकिन कश्मीर को लेकर आज की तारीख में भी तनाव बना हुआ है और ऐसे में साउथ ब्लॉक चाहता है कि क्रेमलिन उसके साथ रहे। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी विवाद को लेकर भारत को रशिया के समर्थन की उम्मीद है। इससे भी जरूरी बात यह है कि भारत किसी भी हालत में नहीं चाहता कि किसी भी परिस्थिति में रशिया चीन का साथ दे। गलवान में हुए हिंसक झड़प के बाद तो भारत ऐसा किसी भी हालत में नहीं होने दे सकता। हथियारों को लेकर भारत रशिया पर काफ़ी डिपेंडेंट है। भारत के कन्वेंशनल हथियार के 60-70% रशियन मेड है। पिछले 10 साल में भारत के हथियारों में वैरायटी लाने की कोशिश की गई, लेकिन इस सब के बावजूद भारत रशिया से दूर जाने की स्थिति में नहीं है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर ब्राह्मोस का उत्पादन किया है, जिसके एयरक्राफ्ट, जहाजों और जमीन में दागा जा सकता है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करना शुरू किया है। रशिया ने भारत को अकुला क्लास सबमरीन लीज पर दिया है। हाल ही में अमेरिकी विरोध के बाद भी भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदी है। डिफेंस इंडस्ट्री के साथ ही भारत का एनर्जी सेक्टर भी रशिया के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में ये सेक्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यह लगातार बढ़ता जा रहा है और रशिया एक प्रमुख भागीदार के तौर पर सामने आया है। अमेरिका सहित पश्चिम देश भारत के सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर है सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन रशिया ने भारत में 6 न्यूक्लियर रिएक्टरों के निर्माण के लिए साइन दिए हैं। रशिया ने कहा है कि परमाणु दुर्घटना की स्थिति में अपना दायित्व तो ग्रहण करेगी, लेकिन पश्चिमी देश ऐसी गारंटी देने को तैयार नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी के साथ ही भारत ने रूसी तेल और गैस में भी निवेश किया है। भारत रूस के साथ मिलकर सखालीन आइसलैंड में सालों से फॉसिल फ्यूल निकालने में शामिल है। ऐसे ही कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें रशिया और भारत बहुत ही मजबूती से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत किसी भी तौर पे किसी भी रूप में रशिया का साथ नहीं छोड़ सकता। अब इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विनेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।